तेलंगाना के हल्के असेंबली नागार्जुना सागर के 17 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पर्चे नामजदगियों की जांच के बाद इंतखाबी हुकाम ने तकरीबन 60 पर्चे नामजदगियों को अहल करार दिया। जांच की तारीख के गुजर जाने के बाद 77 के मिन जुमला 17 पर्चे नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया गया। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डॉक्टर शशांत गोयल ने जुमेरात को एक रिलीज में ये बात बताई। अहल करार दिए गए पर्चे नामजदगियों में 46 आजाद उम्मीदवार शामिल हैं। साथ ही टीआरएस के भगत कुमार, कांग्रेस के जाना रेड्डी, बीजेपी के पी रवि, तेलुगुदेशम के अरुण कुमार और दूसरे भी अहल करार दिए गए। इस जिमनी इंतखाब में से रखी मुकाबला टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान देखा जा रहा है। पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 3 अप्रैल है, जबकि इस हल्के का जिमनी इंतखाब 17 अप्रैल को होने वाला है और वोटों की गिनती 2 मई को होगी। टीआरएस के रुकने असेंबली एन नरसिम्हैया की मौत की वजह से ये नशिस्त खाली हुई है।